बात कर रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस धारा के खिलाफ अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसकी एकदम गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वजह नज़र से ये देखा जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जनता समझ नहीं पाई या राजनीतिक दलों ने इसमें आग में जो है वो घी डाला? नहीं आसिफ, देखिए कल जो हमने डिबेट की ओपनिंग की थी, हमने सबसे पहले यही कहा था कि मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हुआ है लोगों ने, और जो ये एक थोड़ा सा गैप रह गया था इस चीज़ को लेकर के, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों ने या जो लीडर्स होते हैं उन्होंने अपनी रोटी अच्छे तरीके से सेकी, और यही एक रीज़न था कि आप देखिए बहुत सारे नेता कल दिन भर टीवी पे हर जगह से अपने भाषण दे रहे थे, अपने वक्तव्य दे रहे थे और आग में घी झोंकने का काम कर रहे थे। मैं ये भी मान सकता हूँ कि क्राउड या मॉब का अपनी एक साइकोलॉजी होती है, लेकिन अगर आप एक लीडर हैं तो उनसे बेहतर पढ़े लिखे हैं, बेहतर समझदार हैं, तो आपको तो समझना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मॉडिफिकेशन के लिए किया था, एक एग्जिस्टिंग चीज़ में एक वैल्यू एडिशन किया था सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, लेकिन इन चीज़ों को भी थोड़ा सा लूपहोल मिला, सारी पार्टियों ने इसको एक मुद्दा बना दिया और उसका अंजाम क्या हुआ, पूरे दिन भर सिस्टम को हाईजैक करके रखा गया, कई लोगों की मौतें हो गई। ये प्योर तरीके का अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, राजनीतिक दल इसको नहीं सोचते हैं, सिर्फ जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती हैं, वोट बैंक की राजनीति होती नज़र आती है, इसमें भी यही हुआ। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कल की घटना की निंदा करता हूं। अगर राजनीतिक लोग जात और धर्म के नाम पर या आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं तो उनको राजनीति करनी छोड़ देनी चाहिए। राजनीति का विषय है विकास, विकास के मुद्दे पर ये लोग कार्य करें और तब जा करके राजनीति में सत्ता में आप ये लोग आएँ, सत्ता हासिल करें। लेकिन आज भारत की जो राजनीति है उसमें दिन प्रतिदिन जात और धर्म के मुद्दों को लेकर के लोग आगे आ रहे हैं। कल की जो घटना हुई, प्रदेश और देश में कई लोगों की मौत हुई है, अगर उनके माँ बापों से जाकर के हम पूछें कि उनको, उनके माँ बापों को क्या लाभ मिला, मैं मानता हूँ कि सही तरीके से उनके परिवार के लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के कारण इन लोगों को उकसाते हैं। ये राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए कि आपको क्या मिला इस तरह में आग में घी डालने का, 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, किसी का बेटा गया होगा इसमें, किसी का पति गया होगा, इस चीज़ को समझना चाहिए। नहीं आसिफ, देखिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक अपील करना चाहूँगा कि कल जिन जिन नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए, लगातार इस पे बोल रहे थे, ज़रा उनको एक नोटिस दे करके यही सवाल उनसे पूछा जाए कि आपका इसमें रोल क्या था और आपका इससे आपकी पार्टी को या देश को क्या फ़ायदा हुआ जो इतना नुकसान हुआ, इतने बेगुनाह लोगों की जाने गई, पूरे सिस्टम को, पूरे कंट्री को दिन भर हाईजैक करके रखा गया, इसमें राजनीतिक लोगों, देखिए इतने स्वार्थपरक ये राजनीतिक दल और नेता हो गए हैं, खुद तो सेफ टीवी सेंटर में बैठे रहेंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे और ऐसी ऐसी वो मतलब विडंबना वाली बातें ये बोलेंगे, अपने हित के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि मानो कि आसमान टूट पड़ा हो, सारा संविधान नष्ट भ्रष्ट हो गया हो और अभी जो करना है वो करो नहीं तो सारी चीज़ खत्म हो गई, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना इंटरप्रिटेट किए, राइट इंटरप्रिटेशन किए हुए जजमेंट को, सिर्फ ये सिर्फ कि जी हम नेता हैं तो हमें सर्वाधिकार मिला हुआ है, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत। अनिल जी, क्या कि किसी भी समुदाय तबके के लोग, अगर आपने तीन तलाक का मामला देखा, दहेज एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर किसी तबके से, किसी जाति से जुड़ा होता तो उनको ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक दलों के इशारे पे कर रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट किसे प्रभावित करके कर रहा है, लेकिन समझना चाहिए उन चीज़ों को, बारीकी में जाना चाहिए, उसका गलत फायदा उठा लेते हैं राजनीतिक दल या इस तरह के संगठन। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो पक्ष हैं जो आपने बोला है, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां या संगठन और समाज का एक ग्रुप। आप देखिए यहाँ पे ये ग्रुप डायनामिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मॉब होता है, समाज होता है, वो हमेशा इमोशनल होकर के डिसीजन लेता है और सोचता है, उनका जुड़ाव बड़ा इमोशनल होता है, लेकिन अगर आप एक लीडर हैं तो आप लीडर इसीलिए हैं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपके अंदर ये एक बौद्धिक क्षमता है कि क्या सही है और क्या गलत है, समाज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्शन देने के लिए आप लीडर हैं। लेकिन आज यहाँ सब कुछ उल्टा है, आज लीडर होने का मतलब, आज सारे लीडर, सारे नेता ये ढूंढते हैं कि जरा सा कोई मौका मिले और उसको अपने फेवर में उसमें हम एकदम से आग लगा दें,
कोई रोकने की कोशिश नहीं करता, सही चीज बताने की। यहाँ पर अगर देखा जाए सरकार की भूमिका किस तरह से नजर आती है आपको? नहीं आसिफ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सत्ता में आते हो तो आप किसी एक लिमिटेड या सिलेक्टिव वर्ग या संप्रदाय के लिए नहीं होते हो। अगर ऐसी एक घटनाएं होती हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सत्ता में आते ही आप सिलेक्टिव हो जाते हो, आपके डिसीजन सिलेक्टिव हो जाते हैं, मशीनरी भी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी आप सिलेक्टिव कर देते हो। तो जो पक्ष है, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जिन जिन राज्यों में जहाँ दंगे हुए, अगर वो इसको हैंडल नहीं कर पाए प्रॉपर वे में, तो डेफिनेटली ये उनका फेल्योर है। सबसे बड़ा फेल्योर सेंटर में है। आप क्यों इतने दिन तक चुपचाप बैठे रहे? सवाल ये है कि सरकार के मंत्री कल ही क्यों कह रहे थे? नहीं, कल के दिन भी आपने इतने इफेक्टिव वे में टैकल नहीं किया कि भाई आज आप शांत हो जाइए, हम आज ही ये सारी चीज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो वेट कर रहे हो या उनकी कुछ प्लानिंग हो, कुछ उनका अपना ऐसा एक मकसद हो पॉलिटिकल कि हमें उसको अचीव करना है, हम कल करेंगे, हम परसों। देखिए किसी भी चीज़ में, कानूनी प्रक्रिया में या जस्टिस में या सुरक्षा प्रोवाइड करने में अगर देर होती है तो वो भी एक तरीके का अन्याय है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कानून का एक कहावत है। यहाँ पे भी अगर सरकार उचित समय पे तुरंत कार्रवाई नहीं करती है और सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान कर पाती है तो ये सरकार की फेल्योर है और इसको भी एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। आस्था के नाम पर राजनीति यहाँ हो रही है, आस्था के नाम पर राजनीति का इस तरह से राजनीतिकरण दिया जा रहा है और ये नतीजे निकल कर आ रहे हैं। नहीं आसिफ, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था संविधान बनाने का कि भाई सभी धर्म के लोग बराबर हैं और हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है ये सारा जो है कहीं ना कहीं भटक गया है। और संविधान बनाते वक्त जो सुविधाएं दी गई थी, लोग उनका मिसयूज करने लगे हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे किसी भी कानून का। आप ये देखिए, जो थोड़े से भी स्मार्ट लोग हैं, जिसमें कि पॉलिटिशियंस और कुछ पढ़े लिखे तबके आते हैं, वो उन लूप होल की पूरी मलाई काटने में लगे रहते हैं, अपने निजी हित के, अपने स्वार्थ को साधने के लिए। जो पब्लिक होती है आसिफ, जो मास होता है, उसका बिहेवियर एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को आप एक चॉकलेट या लॉलीपॉप दे करके कुछ भी करवा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट जो है क्राउड बिहेवियर का होता है। थोड़ा सा आप इमोशनल होकर के कोई इमोशनल अपील करिए रिलीजन से रिलेटेड, अपनी बिरादरी से रिलेटेड, वो तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो राजनीतिक नेता हैं, जो दल हैं, उनको यहाँ पे मैच्योरिटी का जो है परिचय देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करने के लिए सोचता भी है तो उनको सुधारना चाहिए, मना करना चाहिए। एक और बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, हेटर्ड स्पीच जो होती है, इस तरीके के जो संवाद होते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, इन सब चीज़ों के लिए भी कानून बनाना चाहिए। क्योंकि तंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं होना चाहिए। नहीं, भीड़ तंत्र की इजाजत है इस तरह से नहीं, अच्छे काम के लिए है ना, देश को तोड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए। ये टेक्निकल गजट्स जो भी हैं, जो सुविधाएं हैं, वो इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी जो है सरकार को सख्त होना चाहिए कि गलत अफवाह और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मैसेज फॉरवर्ड करेगा उनको इमीडिएट एक्शन उनको लेना चाहिए। एक मिश्रा जी, बड़ा अच्छा तरीका मिल गया राजनीतिक दल को, विकास करेंगे तो मेहनत करना पड़ेगी, धूप में जाना पड़ेगा, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यहाँ दंगे कराइए, बलवे कराइए, युवाओं को उकसाइए, उनको रोजगार तो देना नहीं है, दिहाड़ी पे दे देते और इस तरह के मामले कराते हैं और नजीर फिर निकल कर आती है कि लोगों की मौत होती है, अरबों का नुकसान होता है। नहीं आसिफ, देखिए यहाँ सस्ती राजनीति, नहीं सस्ती राजनीति नहीं, इसके लिए एक बड़ा अच्छा राजनीति, इसका मैं एक बड़ा अच्छा शब्द बोलूंगा। देखिए अपने देश का दुर्भाग्य क्या है, यहाँ विकास की राजनीति नहीं होती है, यहाँ राजनीति के विकास की राजनीति होती है। यानी उनका विकास के धर्म और जाति के ऊपर, विकास के धर्म का, यहाँ पे उनकी राजनीति का विकास लगातार होता रहे, देश का विकास हो या ना हो। अब ये देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको करोड़ों करोड़ रोजगार अगर आपको पैदा करने हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मुझे लगता है नेताओं में इतनी समझ नहीं है कि रोजगार को कैसे डेवलप करें, तो उनको बड़ा सस्ता सा ये जो है साधन मिल गया है कि भाई लड़कों को बुला लो, भाड़े पे बुला लो, रोजगार वो यही बोल के कन्विंस कर रहे हैं। भाई क्या है, कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, चलो हम तुम्हारी कमाई कराते हैं। नौजवानों को बरगलाना, देश के विकास के लिए उनकी प्रतिभा का यूज ना करके देश के विनाश के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं, और ये इतना आत्मघाती, देखिए एक चैन रिएक्शन शुरू हुई है, ये इतना आत्मघाती प्रथा ये लोग डेवलप कर रहे हैं। अब फिर मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि जी 10 अप्रैल को अब सवर्ण लोक करेंगे, यानी एक दिन के लिए पूरा सिस्टम फिर हाईजैक रहेगा, फिर उसके रिएक्शन में कोई और होगा। इसके पहले भी आरक्षण के नाम पे आप देखिए 2-3 हरियाणा पूरा जलता रहा। अच्छा एक चीज और है आसिफ, आप देखिए हमारे सरकारों की बड़ी नहीं, सरकारों की नहीं है ये, जो एक
पहले इंटरव्यू में आपने बोला था कि जो पहली नींव रखी गई थी हमारे संविधान की, हालांकि इंटेंशनली ऐसा नहीं किया गया था, उन्होंने कुछ सुविधा के लिए कुछ चीजें दी जैसे आरक्षण का, लेकिन उस कुछ वक्त के लिए, अब उसका देखिए अब उसकी उसकी मलाई कैसे खा रहे हैं नेता लोग। ये सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल टर्म ये उनके लिए हो गया है कि ऐसी चीजों को जो सुविधा के लिए दी गई थी, प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी, वो मेन सीढ़ी हो गई है, उसको हमेशा वो जिंदा रखते हैं और सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं लोग, नहीं चाहते हैं ये सारे कुछ हो, हर कोई चाहता है शांति रहे, अमन रहे, हम कमाए, हम आराम से रहे, हर लोग ये चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि अमन हो, सुकून हो, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और धर्म की राजनीति जब तक होती रहेगी, जात की राजनीति होती रहेगी, तब तक ऐसा ही होगा। नहीं आसिफ, देखिए मैं पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आपको सब कुछ कौन देता है? ये राष्ट्र है जो आपको सब कुछ देता है। आपका पड़ोसी आपके काम नहीं आता है, आपके धर्म के लोग आपके काम नहीं आते हैं जब आप मुसीबत में हैं। जो भी रिसोर्सेज आप यूज करते हैं ये राष्ट्र का, तो आप अपने चिंतन में, आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा कोई नेता आपको बोलता है तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। इतनी मैच्योरिटी मैं बोलूंगा पब्लिक को कि डेवलप करें, इस काम से राष्ट्र को फायदा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप अपने पड़ोसियों को देखिए, अपने धर्म को देखिए, अपने जो है समाज के लोगों को देखिए। राष्ट्र में केवल एक समाज का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे समाज हैं, तो सब लोगों को अपने समाज से, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, सोचना चाहिए। क्या उन मुद्दों पे विकास करके आप लोग जो है अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों से बात करें, लेकिन आज क्या है, दिशा ही बदल गई राजनीति की। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, उदाहरण दूंगा आसिफ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, बहुत पहले बोला था, 2 साल पहले पाकिस्तान को बोलते हुए, कि अगर कंपटीशन करना है, अगर लड़ना है तो आओ विकास के लिए लड़े, गरीबी से लड़े। हाँ, आज यहाँ पे क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि आप लोग यूं को आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और अगर आपको संघर्ष करना है तो जो गरीबी है उसके उसके खिलाफ आप संघर्ष करिए, उसके खिलाफ लड़िए। अभी तक प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य आया नहीं है। गए वो मुद्दे जो शिक्षा को लेकर चुनाव होते थे, टूटी सड़कों को लेकर, स्वास्थ्य का जिक्र होता था, कहाँ वो जिक्र गया? किस दिशा में राजनीति जा रही है, कहाँ हमारे देश को लेकर जा रहे हैं, और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, हम दिनों दिन पीछे होते जा रहे हैं। आज जो सामाजिक स्थिति है, कोई राह चलता सड़क पर आप देखें तो आदमी गिरा रहता, दूसरा उठाने को तैयार नहीं रहता। इस मोड़ पर ले आके आज का समय इस राजनीतिक पार्टी ने, इस नियम कानून ने, इस विकास ने जो अभी तक हुआ वो हमें पहुंचा दिया। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम अपने राह से भटक गए हैं। जो हमारी सामाजिक संस्कृति के सभ्यता थी वो हम लोगों ने खो दी है, और हम लोगों ने खोई नहीं, इन राजनेताओं के द्वारा हम लोगों से छीनी गई है। धर्म से धर्म को लड़ा देना, जात से जात को लड़ा देना, क्षेत्र से क्षेत्र को लड़ा देना। आज देश देखिए, कहने को हम भारत राष्ट्र में, लेकिन अगर सच्चे दिल से देखिए और सच्चाई आप अपनी आंखों से स्वीकारें, आज भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ है। मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन देश की जो इस वक्त स्थिति है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, आप देखें हम हर जगह बटे हुए हैं। कहने को हम भारत में तिरंगे के नीचे रुके हुए हैं, लेकिन वो चिंगारी धधक रही है, और जिस दिन पूरी तरह से ज्वाला रूप ले ली तो फिर हम कहीं उस मोड़ पर ना आ जाएं जो हमने 47 में भोगा है। कब से कब राजनीतिक दल नहीं समझ रहे, आम लोगों को समझ लेना चाहिए, भविष्य के लिए बड़ा खतरा है ये, कई घटनाएं हुई हैं, इससे सबक लें। हमें सबक लेना चाहिए, हमने इतना संघर्ष करके, आंदोलन करके ये आजादी पाई है, और उस आजादी के बाद हम आज देश को इस मुकाम पर ले आए हैं कि वर्ल्ड में सीना तान के खड़े होते हैं, भारत का नाम लिया जाता है। कोई 4 साल में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ये सारी सरकारों का श्रेय है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम इस स्थिति में फिर पहुंच जाएं। ये बहुत बड़ा खतरा है, भविष्य को लेकर एक बड़ा संकट है, इन घटनाओं से सबक लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो हमारे आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी, क्या राजनीतिक दल उसको खराब करने में तो नहीं लगे हैं? इसको लेकर चर्चा करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मामले सामने इस तरह के आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा, उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक दलों की इसमें शह है, और जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकारें हैं वो सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। असामाजिक लोगों को ऐसे मौके का इंतजार रहता है, जिस तरह से एक दर्शक भाई ने हमारे कहा कि किस तरह से लूटपाट एटीएम पर की गई असामाजिक तत्वों ने, और जो हरियाणा में आंदोलन हुआ था, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप की वारदातों को अंजाम दिया था, शायद वो विरोध करने वाले लोग नहीं थे। असामाजिक तत्वों के ऊपर भी सरकार या फिर प्रशासन कार्रवाई ढंग से नहीं करता। नहीं आसिफ, देखिए ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। मैंने पहले भी आपको बोला था, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए 2 अप्रोच होते हैं, एक तो होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है करेक्टिव।
प्रिवेंटिव ये होता है कि कोई घटना होने के पहले ही उस चीज को रोक देना। सारे गवर्नमेंट मशीनरी का पहला उत्तरदायित्व ये है कि घटना होने के पहले ही आप रोकिए। बहुत रेयर आपको सुनने को मिलता है कि कहीं कोई चोरी हो रही थी, पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। गवर्नमेंट का ये पहला उत्तरदायित्व है कि कोई घटना होने के पहले ही आप उसको रोक दीजिए। हमारी गवर्नमेंट इतनी संवेदनशील हो गई है पास्ट से लेके अब तक कि प्रिवेंटिव अप्रोच तो टोटली मुझे गायब लगता है। अब ये केवल करेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, जब 2-4-6-10 लोग मर जाते हैं फिर उसके बाद पुलिस पहुंचती है, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन तब तक जो नुकसान होना होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल वे में, टेंजिबल नुकसान प्रॉपर्टी वगैरह का होता है, लेकिन इनटेंजिबल नुकसान ये होता है जो एक मानसिकता और भेदभाव की भावना समाज में फैलती है कि भाई उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये करेक्टिव एक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट को यहाँ संजीदा होना चाहिए। और ठीक यही काम, देखिए आज की डेट में प्रिवेंटिव एक्शन कौन कर रहा है, ले रहा है, केवल कोर्ट्स कर रही है। जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही किया अपने डिसीजन में कि आगे कहीं कोई बुरा ना हो किसी निर्देश के साथ, तो उसका ये डिसीजन जो है माननीय कोर्ट का ये प्रिवेंटिव डिसीजन में आता है। तो प्रिवेंटिव अप्रोच गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि घटना होने के पहले ही तैयारी करके उसको रोका जाए, न कि घटना होने के बाद। आप छोटी सी मुझे बात बताइए, अगर मेरे घटना हो गई है और मैं उस घटना की इंक्वायरी नहीं करूंगा तो वो जो एक्ट गवर्नमेंट ने लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर, आरक्षण के ऊपर इतना दंगा करने की जरूरत क्या है? एक सवाल और है, अगर आप देखें अभी जो हाल ही में घटनाएं हुई है और जो समाज में संकेत जा रहा है, राजनीतिक दल या राज्य सरकारें आप देखिए, केंद्र सरकार देखिए, एक ये संकेत जा रहा है कि हमारा एक वोट बैंक है और सिर्फ उन्हीं लोगों को सुविधाएं देना है, और जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन जातियों ने नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ये एक संकेत जा रहा है। नतीजा क्या निकलेगा कम वक्त में? नहीं, इसका नतीजा बहुत भयानक निकलेगा अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहा। और समाधान ये है कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा और भेदभाव से हट करके सारी जो है मैकेनिज्म को सबके लिए डाइवर्ट वक्त में आम आदमी को इसका जो है सिला देना चाहिए। सबसे पहला तो जो है जागरूकता, आम आदमी को अपने अंदर सोचना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इस बात की जो दंगे हुए एक बड़ी नजीर है। एके मिश्रा जी, आप राजनीतिक सलाहकार हैं, आप लगातार ये बात कहते रहे कि उपचुनावों में लोकल फैक्टर फर्क डालते हैं, क्या यही बात योगी जी भी कह रहे हैं? अच्छा एके मिश्रा साहब, इन दावों में दम कितना है? स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एके मिश्रा जी लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उन समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इस जीत को रचा गया है। एके मिश्रा जी, तो वहीं ज्यादा चर्चा के लिए यहाँ पर राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे और हमारे साथ हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में एके मिश्रा जी हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, क्या लगता है अगर पर एके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं? जी एके मिश्रा जी, यहाँ आप बता रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो रिजल्ट कुछ और होता। एके मिश्रा हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार हमारे साथ बने हुए नोएडा स्टूडियो में, ऐसे भी हमारे साथ एके मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से, और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा स्टूडियो में आ चुके हैं। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं आप एके मिश्रा जी राजनीतिक सलाहकार? एके मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले आपसे रिएक्शन जी। एके मिश्रा जी, ये जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमने बात की दोनों ही पार्टियों से, सभी आश्वस्त हैं, लेकिन परिस्थिति क्या कहती है? अगर आप नितिन अग्रवाल का वोट देखें, अगर आप अनिल सिंह का वोट देखें, और राजा भैया को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही, वो तो हम देख ही रहे हैं। सवाल ये भी है, सीएम से मिलने के बाद जब राजा भैया बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट में कहा था वही मैंने किया भी है। मिश्रा जी, इस पर और हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे बीच हैं।
Thank you.